I'll go first. But hey, I'm staring at my ass. I felt you looking. I thought you'd lost your ass. Donkey. I can feel you looking. Just climb the tower. Alright guys, my name is Kulsor and I am come with my new storyline video. And in this video, we will talk about the Prince of Persia's rebooted story. What is this story? Was it good? क्या यूबीसॉफ्ट ने रिबूट को सपोर्ट ना कर गलती की वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दिस गेम वाज रिलीज एट ईयर 2008. असैसिन क्रीड 1 इस समय पूरी तरीके से हिट हो चुकी थी और यूबीसॉफ्ट इस रिबूट में असैसिन क्रीड की 1 की इंजन यूज कर महंगे वाले सेल सेटिंग ग्राफिक्स यूज कर इस गेम से कुछ बड़े एक्सपेक्ट कर रही थी. नाउ हाउ वाज द गेम? सो गेम की प्लेटफॉर्मिंग बहुत अच्छी थी, ग्राफिक्स आज भी खेलने में अच्छी लगती है और म्यूजिक भी अच्छी थी. क्या गेम स्टोरी में अच्छी थी? वही हम आज जानेंगे इस गेम के रिकैप लेकर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. सो बिलीव इट नॉट, इस गेम में प्रिंस भी है कि नहीं बताया गया नहीं है. बाकी प्रिंस ऑफ पर्सिया की ही तरह ये भी प्रिंस, यहाँ पे भी प्रिंस का कोई नाम नहीं है. आप पता है दास्तान प्रिंस के मूवी का नाम है, पर वो टॉपिक अलग है. सो प्रिंस की बैक स्टोरी इस गेम में इस प्रकार है कि प्रिंस अपना डोंकी फेरे के साथ किसी बड़ी हस्ती की कब्र से ढेर सारा सोना लाद कर लेके आता है. तभी बीच में एक सैंडस्टोन के कारण फेरा अंडर डोंकी हो जाता है. प्रिंस उसको ढूंढते हुए एक मैजिकल लैंड नेम औरा में गिरता है. प्रिंस को औरा की प्रिंसेस एलिका अपनी फादर से भागती दिखाई देती है. प्रिंस एलिका को उसके फादर के सोल्जर से बचाने में मदद करता है और एलिका के साथ इस उसके टेंपल में ट्रू ऑफ लाइट में कैद हुए आरामान के बारे में बताता है. लेकिन एलिका के फादर इस ट्रू ऑफ लाइट को तोड़ देता है जिससे आरामान फ्री हो जाता है. आरामान बीइंग इविल वो पूरे दुनिया में कब्जा चाहता है. एलिका अपने लैंड आरामान से करप्टेड डेक दूसरे गॉड ऑफ लाइट द्वारा बनाया गई फर्टाइल ग्राउंड से आरामान की पावर को वीक कर इन सब लैंड को हील करना चाहती है. प्रिंस एलिका के साथ देता है और दोनों आरामान को करप्टेड सोल्जर वॉरियर एल्कलमाइस कॉन्क्यूबाइन एंड द हंटर इन सबको हराने के बाद इन लैंड को हील करता है. प्रिंस एलिका के साथ इतना टाइम बिताने के बाद प्रिंस को एलिका की एक विजन दिखाई देती है. All you must do is ask. The asking is yours. You know what it is that I ask. If you would have एलिका बताती है कि प्रिंस के यहाँ आने से पहले वो मर चुकी थी और उसके लाइफ के बदले उसके फादर ने आरामार को फ्री करने की डील और इसलिए एलिका के फादर ने अपने आप को आरामार को सौंप दिया. अब प्रिंस एंड एलिका सारे ग्राउंड को हील करने के बाद दोनों मेन टेंपल पे जा पूरे तरह से करप्टेड एलिका के पिता से लड़ते हैं और उसे हराने के बाद आरामार को फिर से कैद करने के लिए एलिका अपने लास्ट स्पेल यूज करती है जिससे उसकी जान चली जाती है. We did it! Elika, we did it! Thank you.
लेकिन इससे ऑरा फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब इस सफर में प्रिंस एलिका के साथ इतना टाइम बिताने के बाद प्रिंस को इस लैंड एंड एलिका के बारे में बहुत कुछ पता लग चुका है। एलिका के बताने पर ऑरा अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही आरामार को फिर से कैद करने के लिए। प्रिंस फिर से एलिका के फादर की तरह एलिका की लाइट आरामार को फ्री करके उसके अंदर ढाल देती है, जिससे एलिका तो फिर से जिंदा हो जाता है और आरामार फिर से फ्री हो जाता है। यहाँ प्रिंस समझता है कि एलिका का मरना आरामार की चाल है, क्योंकि एलिका ही एक लास्ट ऑरावासी है जो आरामार को हरा सकती है। और दोनों आरामार को फिर से हराने के लिए तरीका ढूंढते दोनों को फिर से सामना करना पड़ता है एलिका के करप्टेड फादर से। उसे फिर से हराने के बाद एलिका उसी की तरह ऑरावासियों को ढूंढने निकलता है। I think we're clear. I couldn't heal him. Araman was too strong. Just because he's growing stronger doesn't mean... If I couldn't stop him now, how can I ever hope to? Araman is free and he will only grow more powerful. We have to get out of here. If we cross the desert, there's a city 2-3 days from here. Or there's a port. It's further, but we could cross the sea, find somewhere further away. Go where you will. May Ormaz watch over you. Elika, you can't do this alone. I know. That is why I must find my people. Elika! Elika! और एलिका प्रिंस से इस बात से नाराज है कि उसने उसको बचाने के लिए आरामार को फ्री किया, और इस बात से एलिका प्रिंस को छोड़ देती है। और लास्ट एंडिंग में आरामार पूरी तरह प्रिंस के पीछे लग जाता है। सो जिन्होंने भी ये गेम नहीं खेला उनको थोड़ा हेल्प करते हुए, स्टोरी इतनी भी बेकार नहीं है जितनी आपको वीडियो में लगी होगी। स्टोरी में थोड़ा दम है। जब एलिका कहती है गॉड ऑफ लाइट एंड मार्स उसे बचाने आएगी, या फिर प्रिंस का यहाँ आना अरमाज का ही काम है। Shall we get out of here before Ormaz drops his own tower on us? Of all the people for Ormaz to send, why did he send you? Me? I wasn't sent by anyone, princess. Oh, you just lost your way in the desert? You just lost your donkey? You just arrived here? If Ormaz really wanted to help, he'd have sent 1,000 people. He'd have sent an army. Sometimes all it takes is the right person. Okay, you keep thinking it's your god. I'll keep thinking it's really bad luck. ये सब बात देखकर it was a decent story. और इसकी एंडिंग को देखकर obviously Ubisoft के मन में इस गेम का इक्वल निकालने का प्लान रहा होगा, लेकिन गेम ज़्यादा नहीं चलने के वजह से Ubisoft वाले इसके ऊपर कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाए। और इस पर इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, और आप इसे कंपेयर करें एज पर टू द पिछले टाइटन्स ऑफ Ubisoft के जो थी Assassin's Creed, जिसकी 11 मिलियन कॉपी बेच पाए, और POP 2008 की 2.8 मिलियन ही बेच पाए खाली। और आप स्ट्रीम पे भी देख सकते हैं इसका रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे रहे थे। और Ubisoft बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचकर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा होता तो उस गेम के लिए और Ubisoft के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता। तो इसी के साथ प्लीज़ आप क्या चाहते हैं इस गेम को, और जो भी नहीं खेले हैं तो जाके खेलो, और आप क्या सोचते हैं इस गेम के बारे में, सो प्लीज़ कमेंट करो।